हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए 12 दिसंबर 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हों, चाहे आप MPPSC के एग्जाम में बैठ रहे हों या MPPSC AE के एग्जाम में बैठ रहे हों या मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में या मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हों, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों, और लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, IMP कर लीजिएगा कि हाल ही में हर घर नल जल के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर नगर निगम। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो याद रखिएगा इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम जो है हर घर नल जल के लिए जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का मतलब भारत का जो है पहला नगर निगम बन गया है। इससे पहले जो है इंदौर नगर निगम के द्वारा हर घर में जो है पानी पहुंचाने के लिए जो है बिजली का सहारा लिया जाता था। किसका? बिजली आपूर्ति के माध्यम से जो है हर घर में जो है पानी पहुंचाया जाता था। लेकिन अब जो है इंदौर नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जो हर घर में पानी पहुँचाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा। इसके लिए जो है एक सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ लगाया जाएगा तो ये जलूद में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? जलूद में लगाया जाएगा। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो हर घर नल जल के माध्यम से जो है किस नदी का पानी हर घर में पहुंचाया जाएगा तो इसमें जो नदी का पानी यूज किया जाएगा वो नर्मदा नदी का पानी यूज किया जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है इंदौर जो है भारत का पहला नगर निगम बना है सौर ऊर्जा का जो है प्रयोग करने वाला हर घर नल जल के लिए। तो इंदौर से आपको क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या के अनुसार जो है अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो जनसंख्या के अनुसार जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो संभाग है ये कौन सा है? इंदौर संभाग ही है। ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है तो ये आपको याद रखना है नर्मदापुरम। यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है ये है जबलपुर। यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है ये है चंबल। आपको अगला याद रखना है कि इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है कुल कितने जिले आते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे पूछ लिया जाता है कि अशोक नगर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो यह भी याद रखिएगा कि इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है टोटल 8 जिला आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 8 जिले आते हैं। उनमें से कौन कौन से जिले हैं तो पहला आपको याद रखना है धार जिला आता है। दूसरा आपको याद रखना है झाबुआ। दूसरा क्या याद रखना है? झाबुआ। तीसरा आपको याद रखना है अलीराजपुर। तीसरा जो है, चौथा जो आपको याद रखना है वो रखना है इंदौर। चौथा जो आपको याद रखना है इंदौर। पांचवा जो आपको याद रखना है बुरहानपुर जो है ये इंदौर संभाग के अंतर्गत ही आता है। अगला आपको याद रखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा याद आपको रखना है। छठा आपको याद रखना है कि बड़वानी जो है किस संभाग के अंतर्गत आता है तो बड़वानी जिला जो है ये इंदौर संभाग के अंतर्गत ही आता है। अगला आपको याद रखना है कि खंडवा को क्या कहा जाता है? पूर्वी निवाड़ के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पूर्वी निवाड़ के नाम से किसे जाना जाता है तो ये खंडवा को ही जाना जाता है। अगला आपको याद रखना है कि पश्चिमी निवाड़ के नाम से किसको जाना जाता है तो ये खरगोन को जाना जाता है। किसे? खरगोन को जाना जाता है। तो कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर और इंदौर और बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा और खरगोन, ये 8 जिले आते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि
इंदौर को जो है किन किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मिनी मुंबई, मिनी मुंबई के नाम से जो है किसको जाना जाता है, तो ये इंदौर को ही जाना जाता है। अहिल्या नगरी किसे कहा जाता है, तो अहिल्या नगरी जो है किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये अहिल्या नगरी जो है इंदौर को ही कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो है व्यावसायिक जो है राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक राजधानी है ये इंदौर ही है। अगला आपको याद रखना है कि कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है, कपड़ों का शहर जो है किसे कहा जाता है, तो ये इंदौर को ही कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मैं वही क्वेश्चन वही पॉइंट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी कहा जाता है दोस्तों, ये इंदौर को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो है खेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी कहा जाता है ये इंदौर को ही कहा जाता है दोस्तों। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में फूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो इंदौर को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है होलकर राजवंश की राजधानी किसे कहा जाता है, होलकर राजवंश की जो है राजधानी किसे कहा जाता है, तो होलकर राजवंश की जो राजधानी है दोस्तों ये इंदौर को ही कहा जाता है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि इंदौर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये खान नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, खान नदी के किनारे स्थित है इंदौर। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगला आपको क्या चीजें याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का पहला जो ऋतु वेधशाला है, मध्य प्रदेश का जो पहला ऋतु वेधशाला है ये कहां स्थित है, तो ये इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला ऋतु वेधशाला कहां स्थित है, इंदौर में ही स्थित है। और भारत का जो है राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो जो राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र स्थित है ये कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सोयाबीन काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय सोयाबीन जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है भारत का प्रथम जैविक खाद्य इकाई कहाँ स्थित है ये इंदौर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में ही स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था दोस्तों, तो ये 27 अक्टूबर 1956 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट टाइम एग्जाम कब लिया गया था MPPSC का, तो 1958 में एग्जाम लिया गया था। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में वो कितनी, 7 सदस्य हो सकती है, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा और 6 क्या होंगे, ये क्या होंगे, सदस्य। और वर्तमान में जो है लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं, तो 4 सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के डी वी रेंगे थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगली चीज़ें आपको याद रखना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन जो है ये इंदौर में ही किया जाएगा। अगला आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन 8 से 10 जनवरी के बीच कहाँ किया जाएगा, तो ये इंदौर में ही किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपको क्या याद रखना है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो भारत का जो पहला वाटर प्लस शहर है ये कौन सा है, तो ये इंदौर ही है। अगला आपको याद रखना है लगातार छठवीं बार
जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो बना है ये इंदौर ही बना है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में जो है 124.94 स्कोर के साथ जो है इंदौर जो है देश में प्रथम शहर बना है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में। अगला आपको याद रखना है ईट राइट चैलेंज में जो है भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो ये इंदौर बना है। कौन सा बना है? इंदौर बना है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर। अगला आपको याद रखना है कि लता मंगेशकर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो लता मंगेशकर जो संग्रहालय बनाया जाएगा ये इंदौर में बनाया जाएगा। अगला आपको याद है कि फिरपुर तालाब और अगला आपको याद रखना है यशवंत सागर जो है ये कहां स्थित है, तो इंदौर में ही स्थित है। और हाल ही में फिरपुर और यशवंत सागर को जो है हाल ही में रामफर साइड में शामिल किया गया है, ये कहां स्थित है, इंदौर में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभयारण्य ये कहां स्थित है मेरे दोस्तों, तो ये स्थित है इंदौर में ही, जिसका नाम क्या है, तो राला मंडल अभयारण्य नाम है। और राला मंडल अभयारण्य जो है ये कहां स्थित है दोस्तों, तो राला मंडल अभयारण्य जो स्थित है ये इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और अगला आपको याद रखना है कि प्रदेश का मतलब भारत का जो है प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई है, तो ये राला मंडल अभयारण्य में ही जो है इसकी स्थापना की गई है, भारत के पहले लोमड़ी संरक्षण केंद्र की स्थापना। अगला आपको याद रखना है कि राला मंडल जो अभयारण्य है ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो है नौरा देही अभयारण्य। कहां स्थित है मेरे दोस्तों, तो ये सागर में स्थित है। नौरा देही अभयारण्य कहां स्थित है, तो ये सागर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य जिसे की टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है ये कौन सा है दोस्तों, तो रातापानी अभयारण्य है। और रातापानी अभयारण्य कहां स्थित है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है देवी अहिल्याबाई होलकर जो है अंतरराष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट कहां स्थित है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ये कहां स्थित है, तो ये आपका स्थित है इंदौर में ही। अगला आपको याद रखना है होलकर स्टेडियम कहां स्थित है, तो होलकर स्टेडियम है जो दोस्तों ये इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां स्थित है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, लिख लो इसको, तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है ये कहां स्थित है, तो ये इंदौर में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगला आपको याद रखना है ध्रुव को याद रखेगा मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं और इंटरनेशनल इंग्लिश जो है ओलंपियाड में जो है प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, तो ये इंदौर के ध्रुव ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला आपको याद रखना है कि इंदौर से ही बिलोंग करते हैं हेमलता फर्मा को हाल ही में जो है मुंबई के हिंदी अकादमी के द्वारा जो है साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है कहां स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है जबलपुर में। लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दो खंडपीठ है, कौन कौन से खंडपीठ है, एक तो है इंदौर और दूसरा है क्या, ग्वालियर। ये भी आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र शहर जहां IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है, तो भारत का
का एकमात्र जो शहर है ये इंदौर है, जहां IIM और IIT है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है कहां स्थित है मेरे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर ये इंदौर में ही स्थित है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, काफी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सारे पॉइंट जो मैं बताया हूं सभी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार फिर रिवाइज करा दे, तो इंदौर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा संभाग, 8 जिले हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, बुरहानपुर और बड़वानी, खंडवा, खरगोन और ये है। अगला आपको याद रखना है अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। सूती कपड़े की राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की कपड़ों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और होलकर राजवंश की राजधानी क्या है, इंदौर ही है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है इंदौर में ही स्थित है। और अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है, इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, इंदौर में। भारत का प्रथम जैविक खाद्य इकाई जो है ये कहाँ स्थित है केंद्र, तो ये इंदौर में ही स्थित है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल अभयारण्य कहाँ स्थित है, इंदौर में। और भारत का पहला वाटर प्लेफेयर इंदौर, 6वीं बार जो है लगातार स्वच्छता जो है स्वच्छ भारत का सबसे स्वच्छ फेयर इंदौर। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहला जो शहर है भारत का वो इंदौर। ईट राइट चैलेंज में भारत का पहला शहर इंदौर। अगला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, इंदौर में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन 8 से 10 फरवरी के बीच कहां किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर इंदौर में स्थित है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 27 अक्टूबर 1956 को, पहली बार एग्जाम कराया था MPPSC ने 1958 को। इसमें मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं मेंबर होते हैं 7 होते हैं। अगला प्रथम अध्यक्ष जो है डीबी रेंगे हैं। और लता मंगेशकर संग्रहालय जो है कहां बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया जाएगा। सिरपुर तालाब और यशवंत सागर कहां स्थित है, तो ये स्थित है इंदौर में ही। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। होलकर स्टेडियम कहां स्थित है, इंदौर में स्थित है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है दोस्तों, एक एक पॉइंट सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर रहे हैं तो जीके आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बस आप लोगों का फांस चाहिए। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफी मोस्ट IMP है, इसको स्पेशली जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्पेशली टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो बनाया गया है ये महू छावनी कहाँ बनाया गया है, महू छावनी इंदौर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, महू छावनी इंदौर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, महू छावनी इंदौर में बनाया गया है। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इन्फेंट्री म्यूजियम है क्या दोस्तों, तो इसमें जो भी अब तक युद्ध हुए हैं और उसमें जितने भी पैदल सेना हैं उनके गौरव यात्रा को जो है याद करने के लिए जो है ये भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया गया है। इसमें जो है पैदल सेना की जो गौरव गाथा लिखी गई है वो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से तथा हाथ से बनाए हुए मतलब चित्रों के माध्यम से और उसमें जो है टेक्स्ट लिखकर जो है और डिजाइन बनाकर जो है इसमें पैदल सेना के गौरव यात्रा को जो है बताया गया है इस म्यूजियम में जो है 1745 से लेकर 1745 से लेकर जो है 2020 तक जो है पैदल सेना के गौरव यात्रा को बताया गया है। पैदल सेना के जो है गौरव यात्रा को बताया गया है। यह जो इन्फेंट्री म्यूजियम है ये जो है कितने एकड़ जमीन पर बनाया गया है, तो 2 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस इन्फेंट्री म्यूजियम की शुरुआत बनाने के लिए मतलब इसका निर्माण कब शुरू किया गया था, तो 2009 में शुरू किया गया था। लेकिन यह बनकर जो है कब तैयार हुआ, इसका निर्माण पूर्ण रूप से कब किया गया, तो 2019 में किया गया। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, तो
तो विजय दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर को जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और 17 दिसंबर से जो है ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, पैदल सेना संग्रहालय, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें पैदल सेना के जो है गौरव यात्रा के साथ साथ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान हस्तियों के इतिहास को भी जो है बताया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। और इस इन्फेंट्री म्यूजियम में बात करें कि जैसे 1757 का प्लासी युद्ध हुआ, प्लासी युद्ध में जो पैदल सेना का योगदान था उसके बारे में जो है इसमें प्रदर्शित किया गया है। अगला जो है 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ, इसके बारे में भी जो पैदल सेना का इस युद्ध में योगदान था इसके बारे में भी इस इन्फेंट्री म्यूजियम में जो है बताया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और जो आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध था, जो आपका भारत चीन का युद्ध लड़ा गया था, जो फारीगढ़ी का युद्ध लड़ा गया था, इन सब में जो पैदल सेना का योगदान था उन सब का जो है प्रदर्शित किया गया है इतिहास गौरव यात्रा इस इन्फेंट्री म्यूजियम में। और ये भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है जो कि महू छावनी इंदौर में बनाया गया है। अब यहां पर युद्ध की बात की जा रही है तो देख लेते हैं भारतीय इतिहास के जो आपके एग्जाम में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं युद्ध वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपको याद रखना है कि तराइन का दूसरा युद्ध। अगला आपको याद रखना है तीसरा युद्ध। अगला आपको याद रखना है पानीपत का पहला युद्ध। और अगला आपको याद रखना है पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला आपको याद रखना है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला आपको याद रखना है कि चंदावर का युद्ध। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। पहला याद रखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1191 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान हुआ था विजेता। अगला आपको याद रखना है तराइन का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो 1192 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जो है विजेता कौन बना? तो मोहम्मद गौरी बना था। अगला याद रखिएगा तराइन का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो 1215 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1215 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन बना था? इल्तुतमिश बना था मेरे दोस्तों। अगला याद रखिएगा पानीपत का जो है पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो है पहला युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। कब लड़ गया? 1526 में। पानीपत का जो है पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। इसमें किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर जो है और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, इसमें विजेता कौन बना था दोस्तों? तो इसमें विजेता बना था बाबर। अगला याद रखिएगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना जो है इसमें विजेता बनी थी। अगला आपको याद रखना है पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखना है आपको कि ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन बना था दोस्तों? तो अहमद शाह अब्दाली बना था। चंदावर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1194 में। चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गौरी और जो है जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन हुआ था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी हुआ था। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का जो है पहला युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। अगला आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1971 में। इसमें विजेता कौन बना था? अपना इंडिया बना था। तीसरा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में कब लड़ा गया था? 1999 में। कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं लड़ा गया था? इसमें से ऑप्शन दे देगा 1965, 1971, 1999 और 1962। तो 1962 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? भारत और चाइना के बीच में लड़ा गया था। भारत और चीन के बीच में जो है 1962 में युद्ध लड़ा गया था। और भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है, यह भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें याद रखना है। फारीगढ़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? फारीगढ़ी का युद्ध जो है 1857 में लड़ा गया था। अगला आपको याद रखना है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और तीन यहां पे दिग्गज थे, एक था फिराजुद्दौला, एक था फाह आलम दूती और एक था मीर कासिम। लेकिन विजेता कौन बनी थी बक्सर के युद्ध में? ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भी आपको याद रखना है। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदनी राय के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो था विजेता बना था। यह भी आपको याद रखना है। अगला 1500 जो है 29 में जो है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा फांगा के बीच में, बाबर विजेता बना था। इसमें यह भी आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था फिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह विजयी हुई थी, विजेता बनी थी। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना। देख लीजिए दोस्तों कंटेंट कितना बेहतर आपको दिया जा रहा है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है, इसको भी आईएमपी कर लीजिएगा, कि हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की जो है कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो भारत के जो है 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया 2012 से लेकर 2017 तक, और इनकी जो है हाल ही में 2022 में जो है 87th नंबर की जो है जयंती बनाई गई है। कितने नंबर की? 87th नंबर की जो है जयंती मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। प्रणब मुखर्जी जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1935 को वेस्ट बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। लेकिन इनका जो निधन हुआ लंबी बीमारी के कारण जो है इनका निधन जो है 31 अगस्त 2020 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ दिया गया था? तो एक थे भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो इन दोनों के साथ जो है प्रणब मुखर्जी को जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 2019 में। अगला आपको याद रखना है, वित्त मंत्री के रूप में सेवा करने वाले जो है भारत के पहले जो है राज्यसभा सांसद कौन थे? तो वित्त मंत्री के रूप में जो है सेवा देने वाले भारत के पहले जो राज्यसभा सांसद थे वो प्रणब मुखर्जी ही थे, ये भी आपको याद रखना है। तो इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 13 दिसंबर 1935 को वेस्ट बंगाल में। इनका निधन 31 अगस्त 2020 को। प्रणब मुखर्जी को जो है भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख के साथ जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। वित्त मंत्री के रूप में जो है सेवा देने वाले भारत के पहले राज्यसभा सांसद थे और 87th नंबर की इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है। और ये जो है 13 नंबर के जो है भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया 2012 से लेकर 2017 तक। अब देख लेते हैं भारत के कुछ
जो है इंपॉर्टेंट राष्ट्रपतियों के बारे में, तो भारत के जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले जो है राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के सबसे लंबे समय तक के लिए जो है राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इनका कार्यकाल क्या था, तो 1952 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल था। और संविधान सभा के जो है संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे, भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जो थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और ये भारत के जो है प्रथम, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और इनकी जो जयंती है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष जो है 5 सितंबर को मनाई जाती है। अगला याद रखना है कि इनका कार्यकाल क्या था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है 1962 से लेकर 1967 तक जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। अगला आपको याद रखना है, भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन थे। इनका कार्यकाल क्या था, तो 1967 से लेकर 1969 तक था। और अपने कार्यकाल के दौरान ही जो है मृत्यु, मतलब कि मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो वो पहले जो थे जाकिर हुसैन थे। और इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के जो थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन ही थे। इसके बाद जो है बीवी गिरी कार्यवाहक, भारत के पहले जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीवी गिरी। फिर इसके बाद जो है मोहम्मद हिदायतुल्ला बने। फिर से पूर्ण रूप से जो है भारत के जो चौथे राष्ट्रपति बने वो कौन बने, तो वीवी गिरी बने। कौन बने? वीवी गिरी। तो आपको याद रखना है कि ये जो है भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल क्या था, तो आपको याद रखना है 1969 से लेकर 1974 तक था। अगला आपको याद रखना है कि इन्हें इफ्टॉम्प रबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि भारत के जो पांचवें नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। और भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया, तो ये फखरुद्दीन अली अहमद था। और इनका कार्यकाल क्या था, तो 1974 से लेकर 1977 तक था, 1974 से लेकर 1977 तक था। और भारत के छठवें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी थे। दोस्तों ये कौन थे, तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और ये जो है भारत के छठवें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 तक था। आपको याद रखना है कि भारत के जो सातवें नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह। ये जो थे भारत के सातवें नंबर के राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल जो था 1982 से लेकर 1987 तक था, 1982 से लेकर 1987 तक था। ये भी आपको याद रखना है। भारत के जो आठवें नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमन जो थे भारत के आठवें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो था 1982 से लेकर 1992 तक। अगला आपको याद रखना है, भारत के जो नौवें नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और इनका कार्यकाल जो था 1992 से लेकर 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला आपको याद रखना है, भारत के जो दसवें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो थे के आर नारायण। का कार्यकाल जो रहा 1997 से लेकर 2002 तक। और ये भारत के पहले दलित जो है राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। अगला आपको याद रखना है, भारत के जो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो 2002 से इनका कार्यकाल 2007 तक रहा। और वो कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था और जिन्हें जनता का प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। अगला आपको याद रखना है, भारत के जो 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल जो थी भारत के 12वें नंबर की जो है राष्ट्रपति थे,
और इनका कार्यकाल जो था 2007 से लेकर 2012 तक। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी, तो 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, ये आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल पूछा जाता है 2007 से लेकर 2012 तक और इनका नंबर भी पूछा जाता है, तो 12वीं नंबर की बनी थी। 13वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने थे 2012 से लेकर 2017 तक, ये प्रणब मुखर्जी थे। और 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने थे वो रामनाथ कोविंद थे, इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक रहा। और ये भारत के दूसरे दलित जो है राष्ट्रपति बने थे। और अब वर्तमान में भारत के जो 15वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति हैं और झारखंड की पहली जो है आदिवासी महिला राज्यपाल भी थी द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से जो है नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो है भूपेंद्र पटेल जी को नियुक्त किया गया है। और ये जो भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के 17वें नंबर के जो है व्यक्तिवाइज देखें तो 17वें नंबर के जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल, और आज इन्होंने जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है गुजरात में चुनाव हुआ था, हाल ही में जो है गुजरात में चुनाव हुआ था जिनमें से जो है बीजेपी को जो है 182 कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं गुजरात में, तो 182 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 182 में से जो है टोटल बीजेपी ने गेन किए थे कितने, 156 सीटें गेन किए थे। तो पूरे बहुमत के साथ जो है गुजरात के 17वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में जो है भूपेंद्र पटेल ने जो है शपथ ग्रहण किया है। और हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो है 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो याद रखिएगा सुखबीर सिंह फुक्खू जो हैं ये भारत के सॉरी हिमाचल प्रदेश के जो है 7वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, जयराम ठाकुर की जो है सुखबीर सिंह फुक्खू। और गुजरात के जो है दूसरे बार जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं भूपेंद्र पटेल, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं आचार्य देवव्रत जो है आर्टिकल 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की परामर्श पर जो है अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री की आदेश पर या मुख्यमंत्री के परामर्श पर, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि भारत के कौन से राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक ना, भारत के कौन से राज्य के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पास है जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा है, कौन है, मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के जो है राज्यपाल, कौन है, मनोज सिन्हा, ये आपको याद रखना है। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, लद्दाख के जो है राधा कृष्ण माथुर है। फिर अगला आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सुखबीर सिंह फुक्खू। अगला आ जाता है हमारा यहाँ हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह है। राजस्थान के बात करें तो अशोक गहलोत यहां के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की बात करें तो हाल ही में यहां के 17वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। अगला आपको याद रखना है गुजरात की बात आता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे थोड़े दिनों पहले बने थे। अगला आपको याद रखना है गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसवराज बोमई। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, पिनरई विजयन है। अगला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन है। अगला आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो YF जो है जगन मोहन रेड्डी हैं। अगला आपको याद रखना है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला आपको याद रखना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला आपको याद रखना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगला आपको याद रखना है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। अगला आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। अगला आपको याद रखना है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोरम थांगा हैं। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड फगमा हैं। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मनिक फा हैं। कौन है,
हार्दिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंता बिस्व शर्मा है, हेमंता बिस्व शर्मा है। तो ये थे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इतना आपको याद रखना है। पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस नेशनल पार्क में जो है अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है 12 दिसंबर मतलब आज जो है 12 दिसंबर 2022 को जो है मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क में, वन विहार नेशनल पार्क जो कि कहाँ स्थित है, तो वन विहार नेशनल पार्क जो स्थित है ये भोपाल। तो याद रखिएगा, वन विहार नेशनल पार्क में जो है हाल ही में जो है अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अनुभूति कार्यक्रम में जो है 120 छात्र भाग लिए और उनके साथ शिक्षक भी जो है इसमें भाग लिए, शिक्षक भी जो है इसमें भाग लिए। इसमें जो है इन छात्रों को जो है प्रकृति से जो है रूबरू कराया गया इस अनुभूति कार्यक्रम के दौरान। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इन छात्रों को जो है इकोलॉजिकल प्रोसेस का जो है अनुभव भी कराया गया इस अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है 12 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में जो है अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो ये वन विहार नेशनल पार्क में आयोजित किया गया। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। अगला आपको याद रखना है, इसकी स्थापना की गई थी तो 1979 में, लेकिन वन विहार इसका नाम दिया गया था 1983 में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कौन सा है, तो एकमात्र जो सर्प उद्यान है ये वन विहार नेशनल पार्क ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के याद रखना है आपको। पहला आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा एनपी लिख देता हूं तो आप नेशनल पार्क समझ जाइएगा, कान्हा नेशनल पार्क याद रखिएगा। फिर आपको याद रखना है माधव नेशनल पार्क। फिर तीसरा आपको याद रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तीसरा, चौथा आपको याद रखना है पन्ना नेशनल पार्क। पांचवा आपको याद रखना है सतपुड़ा नेशनल पार्क। छठा आपको याद रखना है क्या, संजय गांधी नेशनल पार्क। अगला आपको याद रखना है जीवाश्म नेशनल पार्क। अगला आपको याद रखना है पेंच नेशनल पार्क। अगला आपको याद रखना है वन विहार नेशनल पार्क। अगला आपको याद रखना है कि ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। अगला आपको याद रखना है डायनासोर नेशनल पार्क। अगला आपको याद रखना है कूनो नेशनल पार्क। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब कि मध्य प्रदेश में जो है टोटल नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कितने नेशनल पार्क हैं, तो 12 नेशनल पार्क हैं। हाल ही में 2018 में कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया है, तो कूनो नेशनल पार्क बनाया गया है। इनकी लोकेशन देख लीजिए, इसकी स्थापना 1955 में, और मध्य प्रदेश का जो पहला अभयारण्य था ये कान्हा नेशनल पार्क ही था। अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को पहली बार शामिल किया गया था, तो कान्हा नेशनल पार्क को ही शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क ही है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क ही है। ये कहाँ स्थित है, तो मंडला में स्थित है, और कुछ क्षेत्र इसका बालाघाट में है, ठीक ना। माधव नेशनल पार्क की स्थापना 1958 में की गई थी, कहाँ स्थित है, फ्यूपुरी में। इसी में है फांग के फागर झील, और फांग के फागर झील को हाल ही में रामफर फाइड में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना 1968 में की गई थी, ये उमरिया जिले में स्थित है, सफेद जो है टाइगर के लिए जाना जाता है, ठीक ना। और पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी, कहाँ स्थित है, पन्ना में स्थित है। अगला आपको याद रखना है सतपुड़ा नेशनल पार्क की भी स्थापना ये कब की गई थी, 1981 में, और ये कहाँ स्थित है, होशंगाबाद जिले में।
स्थित है, कहाँ स्थित है, होशंगाबाद नर्मदापुरम जो है संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि जो है अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया गया, ठीक है ना। अगला है आपको याद रखना है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है, तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, कहाँ स्थित है, फीधी में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, और ये जो है कहाँ स्थित है, डिंडोरी में स्थित है। और ये जो है इसको किस नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है, तो घुघवा नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, और फाफिल नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो जीवाश्म नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये छिंदवाड़ा और फिबनी पर, फिबनी जिले में इसका जो है विस्तार है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। वन बिहार नेशनल पार्क की स्थापना 1979 में, लेकिन 1983 में इसे वन बिहार का दर्जा दिया गया था। और ये कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क की स्थापना 2004 में की गई थी। डायनापुर नेशनल पार्क की स्थापना जो है, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा में स्थित है, डायनापुर नेशनल पार्क धार जिले में स्थित है, और कोना नेशनल पार्क जो है श्योपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2018 में की गई थी। और हाल ही में जो है अफ्रीका के नामीबिया से जो है किस जो है नेशनल पार्क में जो है अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, तो ये कोना नेशनल पार्क में लाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कितने नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है, तो पहला जो हो जाएगा आपका कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा जो हो जाएगा आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा जो आ जाएगा आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, चौथा जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, पांचवा जो आ जाएगा आपका पन्ना नेशनल पार्क, छठा जो आ जाएगा आपका पेंच नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के जो है छह जो है नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में स्थित है, 4400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दूसरा आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है कि जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसकी जो है स्थापना 1935 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, उत्तराखंड में स्थित है। और टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल होने वाला भारत का पहला जो नेशनल पार्क है, ये हैली नेशनल पार्क या जिम कार्बेट नेशनल पार्क ही है। भारत का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, 0.003 जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आपको याद रखना है विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो स्थित है, ये केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मणिपुर के लोकतक झील में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का जो पहला मरीन नेशनल पार्क है, ये कच्छ जो है गुजरात में स्थित है, मरीन नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीजें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा हाल ही में जो है 11 दिसंबर को, हाल ही में जो है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। और यह दिवस जो है मनाए जाने की घोषणा जो है 2002 में की गई थी, और पहली बार जो है यह है 11 दिसंबर 2003 को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया था। और पर्वतों के महत्व के बारे में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को बताने के लिए हर वर्ष यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2022 में, तो इसकी जो थीम थी वुमेन मूव माउंटेन इसकी जो थी थीम थी 2022 में। अगला आपको याद रखना है कि 1 दिसंबर को मनाया गया है कौन सा दिवस, विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस, जो है भीमराव अंबेडकर जी की जो है पुण्यतिथि के अवसर पर यह महापरिनिर्वाण दिवस जो है 6 दिसंबर को मनाया गया, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, और 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार जो है रोकथाम दिवस, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और 11 दिसंबर को जो है ये प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी जो है 87th नंबर की जो है जयंती बनाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर, होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन जी एफ नाइन, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट जो है मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, मिलते हैं अगली।